जिंदाबाद कलक साहब ने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने कहा, हमने कहा कि साहब हम टावर पर चढ़ेंगे, आप जो है ये किसी भी प्रकार का रूप ले सकता है, आप जो है वहाँ व्यवस्था करवाइए प्रशासन के। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो मर्जी में आए जो करिए, जाए चढ़ जाइए, बोले कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से फिर हमने जो है वो इसका विरोध जो है जताया है और चढ़ के दिखाया है। और यदि कलक साहब ये चाहती हैं कि भाई मर के भी दिखाओ तो वो ये उनके मुख से कह दें, हम मर के दिखाएंगे। सरकार नहीं सुन रही है, उसके पीछे एक बहुत पुरानी लॉजिक है। जब चौंटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। सरकार अभी नशे में चूर है, उसे नहीं मालूम कि पंगा किससे ले रही है। 1,20,000 वकील इतिहास बदल सकते हैं। जब हम भारत को आज़ाद करा सकते हैं तो हम अपना हक भी ले सकते हैं। प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर रहेंगे चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। आज बच्चों ने जो भी कुछ किया वो केवल प्रतीकात्मक था। अगर सरकार ये चाहती है कि वाकई हमारी शहादत देख ले तो हम कल ये भी करके दिखा देंगे। जय हिंद। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकील पूरे राजस्थान पे हड़ताल पे हैं। इसी क्रम में टोंक जो के अभिभावक संघ है उनके द्वारा भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज ज्ञापन के बाद में न्यायालय परिसर में टावर है, उस पर चढ़ने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा और समझाइश की गई, उस पर नीचे उतर गए और उनका प्रदर्शन भी जारी है।